सहयोगी से चाहूंगा प्ले करिए, अब इस आंकड़े को ध्यान से देखिएगा। एके मिश्रा प्लीज बीच में मत बोलिएगा, प्लीज सर रिक्वेस्ट कर सकता हूं। ये आप जो आंकड़ा देख रहे हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस आंकड़े के मुताबिक इस बात को समझिएगा, दुनिया का एक चौथाई, दुनिया में एक चौथाई कुपोषित भारत में है। दुनिया के एक चौथाई कुपोषित भारत में है, यह रिपोर्ट यह बताती है। यह हालात तब हैं जब भारत में दूध, सब्जी, दाल और फलों के उत्पादन हम टॉप पर हैं, हम टॉप पर हैं। प्लीज त्यागी जी, त्यागी जी, मैं इसीलिए इस विषय को लेकर आया था पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं इसलिए, कुपोषण की रिपोर्ट कहती है 2021 में दुनिया में 76 करोड़ 80 लाख लोग कुपोषित हैं। कितने? 76 करोड़ 80 लाख लोग कुपोषित हैं। मैं इसलिए इस खबर को लेकर आया एके मिश्रा जी, भारत में इनकी संख्या 76 करोड़ 80 लाख है, और उनमें से 22 करोड़ 40 लाख सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, यानी कि 29%। मैं इसलिए इस खबर को लेकर आया। प्लीज एके मिश्रा जी, पहले त्यागी जी देखिए ऐसा है, एके मिश्रा जी का मुझे एक मिनट मिश्रा जी, चावला भाई, ऐसा है मिश्रा जी बहुत ही सीनियर राजनीतिक विश्लेषक है, जो कहेंगे मैं उनकी बातों से, तथ्यों से सहमत होऊंगा। नहीं नहीं, आप उनको मिश्रा जी को यह मौका दिया जाए, उन पे टोपी ट्रांसफर मत करिए, मुझे 29 टोपी ट्रांसफर नहीं कर रहा, क्योंकि मिश्रा जी ने पहले गलत बात यस किया था, तो मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। 22 करोड़ 40 लाख भारतीय हैं, यानी कि 29 जी, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। एक जी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है त्यागी जी, क्या ये गंभीर है विषय की नहीं? वो भी तब जब दुनिया में सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादन देशों में से हम एक हैं। क्या मैं चावला भाई एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्या कुपोषण की वजह केवल खाद्यान्न की नहीं हो सकती है? ये कहां लिखा है आप मुझे बताइए। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। क्या कुपोषण की, क्या खाद्यान्न की कमी से ही होता है? खाद्यान्न की कमी से कुपोषण नहीं होता, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ तभी 22 उनमें से एक कारण हो सकता है, लेकिन 100% कारण नहीं हो सकता। मतलब एके मिश्रा जी, चावला भाई उनमें से एक कारण हो सकता है खाद्यान्न कमी का, लेकिन 100% वही कारण नहीं हो सकता। देखिए त्यागी जी, वैसे तो आपसे ये दूसरे चैनलों में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले गलती से, तो एके मिश्रा जी तर्क देंगे, उस तर्क को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं उनके पास कोई ना कोई। हाँ, अब एके मिश्रा जी बात रखिए अपनी, प्लीज जल्दी से। चावला जी देखिए, मैं आपके इस डाटे से बेहद चिंतित हूं, और ये बड़ा गंभीर डाटा है जो आपने दिया है, क्योंकि आज समय समाप्त हो गया है, कल आप इसी मुद्दे पर रखिए और एक घंटे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुपोषण और मेल न्यूट्रिशन जो है। मैं आपको एक चीज सिर्फ इसमें चलते चलते ये बोलूंगा, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी को मिले हुए 70 साल हो गई, और ये क्रांति वो क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन सब हो गए, लेकिन कुपोषण नहीं गया। उसमें एक मेन रीजन ये है कि भारत में पोषण का सबसे बड़ा रीजन या कारक होता था गाय या भैंस का दूध। अब पता चला हम गाय को मार के खाएंगे, दूध तो चाहिए नहीं, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो कि हमारे बच्चे कुपोषित है? गाय का दूध केवल एक ऐसा है जो संपूर्ण आहार है। थैंक यू, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एके मिश्रा, मैं समझ गया आप कहां मैं क्या कह रहे हैं। कल इस पे डिबेट रखिए, मैं सारे फैक्टर की एनालिसिस करूंगा, बिल्कुल एक घंटे रखिए, मैं करूंगा। बिल्कुल त्यागी जी, समझ में आ गया। हमारे चावला डिसाइड कर लीजिए कि कुर्बानी में हजारों जानवरों की जान देनी है कि दूध। अगर जानवरों का मांस खाएंगे तो आपके बच्चे कुपोषित रहेंगे। चावला भाई, मेरी तो समझ में आ गया, आपको जवाब मिल गया या नहीं मुझे। चावला भाई, उचित जवाब मिला आपके सवाल का या नहीं? मुझे मिल गया बस जवाब उनको भी मिल गया जो लाइव मैंने बताया ना, एक घंटे बिल्कुल करिएगा। चावला भाई मैं केवल स्पष्ट जवाब देने से बच रहा था, उस चीज को स्पष्टता के साथ
मिश्रा जी ने रख दिया। हाँ मैं समझ गया था सर, मैं समझ गया था। तभी लाइव में लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि अगर आज अनाज का विषय है तो चलते चलते एके मिश्रा जी से यह पूछ लीजिएगा कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो, समझे? तो ये कहानी भी है। खैर छोड़िए, सीमा जी आपके पास आना चाह रहा था, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आप डिबेट में शामिल हुए और ऐसे